क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक है, खेल चुके। उम्मीद करती हूँ आज के दिन आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरा होगा। तो वैसे ही करते हैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट। बल्कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग अपना काम करें। काम क्या करने के, चैनल को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसके बाद आप व्लॉग को देखना स्टार्ट करें। तो वैसे ही करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू फातिमा काजी व्लॉग्स। वैसे आपको आज से बताती चलूँ, आज जो है हमारे हॉस्टल में न्यू एडमिशन हुआ है, और उन न्यू एडमिशन जो बच्ची है वो कौन सी, मैं आपको दिखाती हुई चलूं। वो फाइनली वर्स ये है, जिनका नाम है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है बच्चे आपका? तो वैस इनका नाम उम्मत रसूल है, जो कि हमारे हॉस्टल में आज इनका फर्स्ट डे है। तो बच्चे कैसा गुजर है आज आपका फर्स्ट डे? हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर। पक्की बात है जी? तो चले फिर, अभी तैयार है आप जी? तो अभी बस इनके पास ना सिर्फ बेडशीट और तकिया नहीं था, तो अभी इन्होंने बाहर से परचेज करते हुए करना है तकिया भी और बेडशीट भी। तो बस अभी हम सब लड़के इनके साथ जाने लगी है। आपको पता है जो मेरा सारा का सारा ग्रुप है, वो तो पहले मुझे बस पता चला फिर फातिमा कहीं जाने को तैयार है, वो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं क्योंकि फातिमा जा रही, तो भी हमने तो बस जाने ही जाना है। तो अभी राइड वेट करवा रही हूँ, देखते हैं राइड कितनी देर में आती है, कितने टाइम में नहीं आती, तो बस चलते हैं। उम्मत रसूल से मेरा आज हमारे ग्रुप के अंदर एक और एडिशन हो गया है, जो है उम्मत रसूल का। तो खैर बस अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, क्या नहीं होती। बस हमारे तक में 2 मिनट्स में राइड आ रही है, और ये देखिए हमारी अंबर बीबी भी तैयार हो गई हुई है। फाइनली बस हमारी राइड आ चुकी हुई है, तो चलो आज तो चले भाई, बस हमारी राइड अगर आ चुकी हुई है, तो सब चलते हैं आप लोगों को राइड में जाने के बाद मिलते हैं। चलो चले बाकी शहर में चलते हैं, ये तो मोबाइल से पकड़े। चलो चलो चले, बस सब ये जाने लगी हैं। इरम आगे कौन बैठेगा? बैठो। तो फाइनली बस हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं इम्तियाज मेगा स्टोर में। तो चले अभी अंदर चलते हैं और आप लोग देखिए, बस इम्तियाज में एक सीन है कि वहाँ पे जाके अंदर व्लॉग नहीं बना देते, अंदर वो कहते कैमरा ही ऑन नहीं करना, तो ये एक बड़ा बैड सीन है। अंबर कहाँ पे? इरम, अंबर और उम्मत आज हम चले अंदर। चलिए बस अभी अंदर चलते हैं, और आई थिंक सो कन्फर्म बात है, कैमरा हमारा ऑफ ही करवा देना है, लेकिन हम आपको चीजें बताएंगे, दिखाएंगे कि हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। उन्होंने कैमरा ऑफ करवा देना, चेक करें यहाँ पे ये सारा चीज। आज आजो आजो बस यहाँ पे, तो ये बच्ची आई थी तकिया लेने, लेकिन यहाँ पे ये ड्रेसेस देखने लग पड़ी है। आप ड्रेसेस ले रहे हो? वहाँ पे वो जैकेट्स ले रही है। तो बह इन सबसे, अम्बर आपने क्या करना है? तो बह व्यूवर्स ये सब लगी हुई है। चलो चलो बच्चे, एक तो इन्हें घसीटा शॉपिंग मॉल्स में आके मेरी फ्रेंड्स में पागल हो जाती है। हम लोग यहाँ पे चोरी चोरी कैमरा यूज करें, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चोरी चोरी कैमरा यूज कर रहे हैं। ये चेक करें, ये पागल हुई है। तो फाइनली व्यूअर्स, हमने ये वाली बेडशीट फाइनल कर ली है। भाई आप ऐसा करें कि ये हमें फाइनल कर दें, और अब हमें एक तकिया दे दें। डन डन है, ओके आ जाओ। हाँ फाइनली व्यूअर्स, यहाँ पे तो बहुत अच्छी कलेक्शन हमें मिल चुकी है, बेडशीट वगैरह हमने ले ली हुई है। बस अभी भाई हमें तकिया चाहिए। ये पिलो कहाँ है? डबल में, पेयर में। नहीं हमें सिंगल चाहिए, सिंगल बेडशीट तो आपको दिखा दी, और हमने फाइनल ये किया है, ये वाला तकिया हमने फाइनल कर लिया है। तो ठीक है ओके, तो चलें अभी। और तुम्हारे कुछ देखना है? ओ और मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ मुझे छोड़ के चली गई हैं, और देखिए मैं उनकी ट्रॉली घसीट रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि वो हैं कहाँ पे। चले अब उन्हें ढूंढते हैं। वो देखिए वो सामने से वो आ रही है। इरम, अंबर और उम्मत, सामान आप लोगों का मैं ला रही हूँ, आप लोग घूम रही हो। चले बस बस अभी चलते हैं, बिल करवाते हैं, और अभी चलते हैं वापसी अपने हॉस्टल को।
चलो आज बिल करवाएं। ओवरऑल वीडियो डिलीट कर दो, अलाउ नहीं है। क्यों नहीं होगा? हमारा तो पूरा व्लॉग करना है। अलाउ नहीं है ये सिस्टम। तो फाइनली वैसे मैंने सारी शॉपिंग वगैरह करके ली है। उम्मत ओके डन? ओके डन। हर चीज ले ली आपने? जी ओके। नहीं वैसे वहाँ पे तो उनसे हमारी बहस ही हो गई थी। वो कहते हैं कि भाई अपनी वीडियो सारी की सारी डिलीट करें, और बहन भी डट गई, बहन अगर नहीं डिलीट होगी तो नहीं होगी। तो हमने उनसे बहस बहस कर ली और जीत गए, और हम निकल आए, खिसक गए, और उसने भी बातें वापसी की राइट राइट। इन्हें बच्चे आप गिर जाओगे। और अंबर के साथ जो आज सीन हो गया ना, अंबर तेरे पीछे मैं जाने लगी थी खाई के अंदर। तो चलिए अब करवाते वापसी की राइड, मतलब आपको मिलते हैं डायरेक्ट अपने हॉस्टल पहुंच जाने के बाद। हो गए चावल गरम? आ जाओ आ जाओ। तो बस ये अभी चावल वगैरह ले आए, उसके बाद खाते हैं। अच्छा उठ जाओ बच्चे आप भी, 24 घंटे की लड़की काम चोर बैठी रहती है। आ जाओ आ जाओ। वाह मेरी बहन ने ले आई गरम करके, रखो यहाँ पे, मुझे मेरे भालू के साथ दे दो, मैं यहाँ बैठती हूँ। आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, सब आ जाओ। अच्छा उठ उठ के आ जाओ, ये चाहे ठंडे हो गए हो। आ जाओ आ जाओ इरम, आ जाओ आप भी बच्चे। अच्छा बच्चे अच्छा अच्छा, ये क्या यार, ये क्या था साथ ही स्लिप हो गई है। अच्छा चले बस बस चले बस बस, अभी हमें चावल वगैरह खा ले, रात का खाना, रात के 2:30 बजे का हम खाना खा ले, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं खाना खाने के बाद। चलो फिर डालो हिस्सा, बिस्मिल्लाह। अल्लाह को कोई नहीं हाथ उसकी रोज है, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह को से खाओ। एक चम्मच बस, एक चम्मच बस मुझे दे दो। चलो मैं और चम्मच लेके आती हूं। ब्लॉग नहीं हो सकता बेटे, बस मुझे तो पता नहीं चला, मैंने मास्क भी मैं और है। मिलते हैं आप लोगों को चावल खा लेंगे। बहन ने खाना मैंने खा को लिया हुआ है, और मेरी इन दोस्तों का हाल चेक करें, ये आप इनका हाल चेक करें, इन सब की खुंगट शुरू हो जाती है। बस ये चेक करें, बस सबसे स्टार्ट में ये बंदी लगी थी और एंड हो गया, और ये बंदी के चमचे नहीं खत्म हो रहे, फिर भी इसे कुछ नहीं लगता अच्छा को। और अंबर, अंबर ने तो पूरी की पूरी देख खत्म की है। अंबर सबसे एंड पे आई है, उसको सबसे कम मिला। नहीं बस बाकी अंबर सबसे एंड पे आई है। और इरम अभी भी आपको सरप्राइज चाहिए? हाँ। चाहिए? अब तो सच्ची ऊंची चाहिए। चल आप बुड्ढे को सरप्राइज बुड्ढे को सरप्राइज मिलाते हैं, बुड्ढे के दरवाजे नौ घंटे तो ले जाते हैं। अंबर तू उठ जा, उनसे चले बस सात तरह से देखते हैं, सरप्राइज इन्हें को पिला देते हैं। अगर सरप्राइज मिल जाती तो वो पी लेगा। बेटे बड़ी सरप्राइज ले लो, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं ऊपर से खड़ी होगी, बस तुझे जाना है, तूने कहना है अंकल आ गए। ए ए मेरी बात सुन, उसे बोलना कि नई बच्ची आई है। उसने कहा आप इतनी देर से मेरे दरवाजे क्यों नौकरी, तो कहना कि हमारे हॉस्टल में एक नई बच्ची आई है, उम्मत का नाम लगा देंगे। उसके कौन सा उम्मत को वो जानता है, तो उम्मत का नाम लगा देंगे। तो उसे कहना कि उसके ना आपसे दीद किस्म की तबीयत खराब है, उसके ना उसकी भी ना काफी ज्यादा तबीयत खराब है, तो उसे ना जा। और तूने अच्छा खासा उसका दरवाजा तोड़ना है उसका, सही है? मैंने अपने इन दोनों पांच शब्दों को भेजने रखी हूँ कि जाके बोतल लेके आए, मैं ऊपर से देखती हूँ, तुम लोग जाओ। ओके वो पीछे से वो भी निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ अंबर ही गई है। फाइनली बस हमारी बोतल आ गई है। क्या कहते हैं अभी इसने क्या बोला? बाबा मुझे देख रही था, बाबा ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे मुंह बना के ऐसे दोबारा क्या नहीं, मैंने कहा अंकल आप दे दें, मैंने कहा नई लड़की की तबीयत खराब हुई है, उसको दे उसकी उसके लिए लेके जा रही हूँ।
तो मैंने कहा आप हाफ लीटर दे दें, कहता है हाफ लीटर मेरे पास पड़ी नहीं हुई। 180 रुपए की बोतल दे रहा है, ये छोटी सी बोतल 180 की गोरमे की वो भी। फाइनली बस हमारे पास एक कोक घर आ गई है, ये सरप्राइज का घर हमारे पास आ चुकी है, ये बस अभी से पीते हैं और देखते हैं, बस इसे पीते हैं और अंबर भी बहुत और इरम बच्चे अभी आप कोक सरप्राइज पी ले ताकि बीपी ठीक हो जाए। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, होते ब्लॉग करते एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।